जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स, ये है G14 अपना 3। ये G14 3 है, ये ऑलमोस्ट देखें ये बात हुआ पड़ा है। इसमें घर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। ये जो है इस टाइम पे, ये उसका मेन रोड है जो आपको डिवाइड करता है ये अपना एफ सीरीज वाले को। ये देखें यहाँ पे कुछ प्लॉट भी इतने ज़्यादा नहीं पड़े, कह सकते हैं कोई लिमिटेड अब प्लॉट रह गए हैं जहाँ पे जो है, यहाँ पे बिजली गैस पानी हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये जो डायरेक्ट डबल रोड जा रहा है, ये G14 का सर्विस रोड है, ये सीधा जाके खुलता है G15 3 के अंदर। तो पहले ये लिटिगेशन का एरिया था, अभी माशाल्लाह इन्होंने क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे लोगों ने मच्छर बना दिए, आप अपनी आंखों से घर बने हुए देख सकते हैं। ये जो सर्विस रोड के ऊपर प्लॉट है, ये वन कनाल के नाम है। ये 2-3 गलियाँ इसकी वन कनाल की आ जाती है, फिर 40-80-30-60। यहाँ पे इस टाइम पे आपको जो है 5 मरले का प्लॉट मिलेगा, तकरीबन आप कह सकते हैं 2 से 2.5 करोड़ के बिटवीन उस साइड पे हो जाना। चलो आगे चलते जाओ, आगे से हो गया रास्ता। ये छोटा सा बीच में इन्होंने बाउंड्री वॉल लगा के ये दरबार का एरिया, तो यहाँ पे प्लॉट वगैरह नहीं बन सकते। बाकी इस साइड पे ये इस सेक्टर में तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन 80% जो है यहाँ पे प्लॉट बन गए हैं। बीच में छोटा सा गांव बैठा है, तो ये उनको अकोमोडेट जो कर रहे हैं इस गांव को G15 3 के अंदर कर रहे हैं। उनको इन्होंने अकोमोडेट ऐसे किया है कि उनको इन्होंने 5-5 मरले के प्लॉट्स दिए हैं, उसके अलावा कुछ पेमेंट्स दी है। ये देखिए इस साइड पे भी ये सीढ़ियाँ ने फाउंडेशन ने इस साइड को क्लियर कराया है, यहाँ पे झोंपड़ियाँ शोंपड़ियाँ ख़त्म करवाई हैं। ये एरिया जो है ना ख़त्म करवाया है, यहाँ पे ना सेक्टर लॉन्च करने का एकदम प्लान। यहाँ से आपका G14 2 शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ से G42 शुरू हो जाएगा। G42 में आज से आप कह सकते हैं कुछ एरिया, कुछ टाइम पहले यहाँ पे, मतलब 1.5 साल पहले यहाँ पे लिटिगेशन थी, अभी इन्होंने ये भी सारा क्लियर कर लिया है। यहाँ पे भी माशाल्लाह घर वगैरह बन रहा है। G43 है, आगे आगे से शुरू हो जाएगा G42। हाँ, यहाँ से शुरू होगा। ये देखें ना, यहाँ से G42 है, ये सारा एरिया। ये काफ़ी हद तक इन्होंने सारा तकरीबन G42 का सेक्टर सारा क्लियर है। G14-1 में थोड़ा सा मसला है, वो भी छोटा सा गांव बैठा हुआ है। हार्डली आप कह सकते हैं कि कितना होगा, यही 10 से 15 एकड़ जगह होगी जहाँ के लिटिगेशन। ये सारा एरिया जो है G14-2 का, अभी ये जगह है यहाँ पे आप घर बना सकते हैं। एक तो अप्रोच वाइज ये इस साइड पे कश्मीर हाईवे को अटैच करता है, दूसरी साइड पे आपका ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, ये पिशावर रोड को जा रहा है, जो आपका पिशावर रोड का एरिया ना। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं G15-3 की तरफ। G15-3 मैं आपको अभी डिफाइन करता हूँ कि यहाँ से ये इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था सब सेक्टर G15-3 के नाम से। तो इन्होंने बेसिकली इसको अकोमोडेट किया था, ये जो गांव वाले बैठे हुए थे इनको वहाँ पे इन्होंने प्लॉट अलाट किए हैं। इस टाइम पे वो प्लॉट बिक रहे हैं, पहले आज से तकरीबन 2 महीने पहले वो तो बड़े माशाल्लाह रीजनेबल रेट के ऊपर था, तकरीबन 80 और 90 के बिटवीन मिल जाता था। अभी यहाँ से तकरीबन यहाँ से ये नहीं, ये G14 है, आगे आगे जाने दें, आगे जाने दें। हाँ, यहाँ से ये जो एरिया है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है सारा एरिया, ये आगे जितना भी नया बना पड़ा है, ये सब
सारा एरिया G15-3 का है। यहाँ पे मोस्टली 5 मरला के प्लॉट्स हैं। ये देखें, ध्यान दो, आगे रोड बना हुआ है। ये वाला जो है ना, यहाँ से शुरू होता है, ये इसको सर्विस रोड डिवाइड करता है। ये छोटा सा सेक्टर इन्होंने बनाया है। ये सामने जो आपको आबादी छोटी सी नज़र आ रही है, इसके बाद आपका पिशावर रोड आ जाता है, टेक्सला रोड, पिशावर रोड जिसे आप कहते हैं। ये सामने जो अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर G15 जम्मू कश्मीर के हैं। ये देखें, इस टाइम पे यहाँ पे प्लॉट तकरीबन जो चल रहा है 5 मरले का, 1.25 से लेके 1.50-55-60 डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। वो तो ज़ाहिर बात है, कोई हाइटेड प्लॉट है, मेन रोड का है, कॉर्नर है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जो नॉर्मल प्लॉट है तो वो प्लॉट भी आपको तकरीबन डिवेलप पोजिशन वाला, लोग डिमांड जो करते हैं 30-35 की डिमांड करते हैं, 20-25 के बिटवीन आप लोगों का वो मिल जाता है। ये देखिए, ये सारा एरिया जो है आगे मतलब आ जाता है उसका पिशावर रोड का आ जाता है। इधर से टर्न ले लें, ये छोटा सा गांव बैठा है, इन फ्यूचर में मेरे ख्याल से इसको भी खाली करा दिया जाएगा। अच्छी जगह है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, उसके अलावा अपना घर बनाने के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत मुनासिब। और क्योंकि इस टाइम पे 5 मरला जो G14 या G13 में आप जाते हैं तो 2 करोड़ से लेकर 250 के अप स्टोन आपको मिलता है। अगर आज की डेट में या इन दिनों आपको 1.25-20-25-30 में कोई एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आगे 1 साल के अंदर अंदर उस तकरीबन 1 करोड़ के प्लस माइनस वो सॉरी 2 करोड़ के प्लस माइनस उसकी वर्थ चली जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मुनासिब है। फिर अगर देखा जाए तो अप्रोच की अपोजिट साइड इसकी मरगला की, ये देखें पहाड़ी के सामने ये सारी कटिंग हुई पड़ी है। आगे थोड़ा सा आगे जाने दें, देखते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा एरिया जो है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे भी काम हुआ हुआ है, अभी ईद के थोड़े दिन ही गुजरे हैं जिसकी वजह से लेबर वगैरह नहीं है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी तोते चढ़े थे ना। ये देखें काम लगा हुआ है, हम वो टेम्पर वगैरह कटिंग शटिंग कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। ये छोटा सा एरिया है, मतलब ये एक बेसिकली सेक्टर का 4th हिस्सा ही बनेगा इस उतू लाइव। मुनासिब जगह, यहाँ पे आप घर बनाने का या इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं। देखें ये जो घर खड़ा है ये G14-2 के अंदर खड़ा है। ये सामने जो घर आपको नज़र आ रहा है ना रिसेंटली, ये G14-2 का घर है। और उसके फौरन बीच में डबल रोड है, डबल रोड के फौरन बाद ये G15-3 आ जाता है। ये फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन ने ही इसकी अलाटमेंट करना है, वहीं उसी की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। तो फर्दर डिटेल और सेल परचेज के लिए हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।